हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मेरा एसएसबी इंटरव्यू मेरा कॉलाप्लेटर रिलीज हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया मेरा कॉलाप्लेटर है ओपन नहीं हो रहा है, क्या हो गया मेरा कॉलाप्लेटर। तो फाइनली है, मैं आज तो ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फाइनली है, मतलब सर्वर भी फुल हो चुका है, तो अब मेरा कॉलाप्लेटर भी ओपन हो चुका है। तो मेरा एग्जाम डेट कब है, एसएसबी इंटरव्यू डेट कब है, सेंटर कहाँ है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, इसका कट ऑफ डिटेल वगैरह मैंने लास्ट वीडियो में 2-3 वीडियो ऑलरेडी मैंने बता चुका है। तो सिर्फ मैं आप लोगों को आज के वीडियो में 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है, मैक्सिमम हम लोग को 2-3 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो मेरा एसएसबी कॉलाप्लेटर है, जैसे तो यहाँ पर डाउनलोड बटन पर सिंपली से क्लिक कर लूंगा गाइस। जैसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करते गाइस, तो फाइनली है मेरा मतलब एसएसबी इंटरव्यू का कॉलाप्लेटर है, तो फाइनली है डाउनलोड हो चुका है। तो फाइनली तो चलो गाइस, मैं ओपन कर लेता हूँ फटक से। तो गाइस, यहाँ पर मेरा डिटेल थोड़ा सा मैंने ब्लर कर रखा है। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो एंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हो एसएससी इलेक्ट्रिकल मेल के लिए प्रिफरेंस 1 मैंने रखा है। तो प्रिफरेंस 1 में ही मेरे को फाइनली मेरा एसएसबी इंटरव्यू के लिए मेरा नाम आया है शॉर्टलिस्ट में। तो गाइस, यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हो गाइस, मेरा रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हो 22/10/2024 है, और मेरा रिपोर्टिंग टाइम है 6 AM है, और मेरा रिपोर्टिंग प्लेस है सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल 33 एसएसबी भोपाल। आप देख सकते हो एसएसबी 33 भोपाल है, और यहाँ पर फुल एड्रेस दिया गया, फुल एड्रेस और स्टेट के बात करते हो मध्य प्रदेश है। 33 एसएसबी भोपाल सिलेक्शन सेंटर सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन भोपाल, यहाँ पर पिन कोड वगैरह आप दिया गया है। तो यहाँ पर मेरा डिटेल वगैरह बताया गया, और यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज बताया गया, यहाँ पर भी कॉलाप्लेटर इंस्ट्रक्शन में भी मतलब कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, अबाउट एसएसबी इंटरव्यू। यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू सेंटर वगैरह आप लोग को यहाँ पर देखेगा, मतलब यहाँ पर आप चेक करना गाइस कॉलाप्लेटर इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग को जिस तरह का मेरे को फर्स्ट प्रिफरेंस मैंने में इलेक्ट्रिकल मेल में मेरा शॉर्टलिस्ट में नाम आया है, तो आप लोग को भी जैसे कि पायलट में अगर आपको नाम में शॉर्टलिस्ट में फर्स्ट प्रिफरेंस में आपको नाम में शॉर्टलिस्ट में नाम आया है, तो आप लोग को इस तरह से आप लोग को यहाँ पर पायलट भी लिख सकते हो, और एजुकेशन NAISO ATC आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जितना मैंने पोस्ट अप्लाई किया 7 प्रायोरिटी पूरा मैंने 7 प्रायोरिटी पोस्ट में मैंने अप्लाई किया, तो सभी पोस्ट में मेरा शॉर्टलिस्ट में नाम आया है, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और यहाँ पर कॉलाप्लेटर इंस्ट्रक्शन मैंने फाइनली मैंने डाउनलोड कर दिया, इसका डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पर भी जितना मैंने फॉर्म भरा है 7 प्रायोरिटी से फाइनली मेरा सभी पोस्ट के लिए मेरा शॉर्टलिस्ट नाम आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर SSC टेक्निकल NAIC GSX हाइड्रो ATC एजुकेशन लॉन्गेस्टिक पोस्ट जितना मैंने 7 प्रायोरिटी अप्लाई किया है, तो फाइनली में यहाँ पर मेरा कॉलाप्लेटर आया है। तो आप लोग को भी सभी पोस्ट में जितना आपने अप्लाई किया है, दो जैसे कि आपको 5 प्रायोरिटी पोस्ट में आपने अप्लाई किया, अगर 5 प्रायोरिटी में आपका शॉर्टलिस्ट में नाम आया है, तो यहाँ पर जितना शॉर्टलिस्ट में नाम आया है यहाँ पर भी आप लोग को देने को मिला, देख सकते हो लॉन्गेस्टिक एजुकेशन ATC हाइड्रो GS NAIC में आप लोग को देख सकते हो। और फास्ट के बाद कहते यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मेल का, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर भी SSB इंटरव्यू डिटेल इसमें बताया गया, और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ट्रैवल डिटेल बताया गया, डॉक्यूमेंट और बोनिफाइड CGPA टू परसेंटेज कन्वर्सन फॉर्मूला के भी इसमें सब कुछ इसमें भी बताया गया है, और इसमें आप लोग को टेंशन करने की क्या जरूरत। और अगर एविडेविट चाहिए तो यहाँ पर भी एविडेविट, आपका नाम वगैरह अपने करेक्शन सेम नहीं है तो आप लोग देख सकते हो एविडेविट कराना है, और यहाँ पर पासबुक TA फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, या यहाँ पर आप लोग को बैंक डिटेल IFSC कोड वगैरह जो भी कैंसिल चेकबुक पासबुक होता है यहाँ पर देख सकते हो। और SSB इंटरव्यू के लिए तो गाइस आप लोग को पता है, तो बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे इसने अकॉर्डिंग टू SSB द्वारा आया है, आप बिल्कुल भी आप SSB इंटरव्यू आप इमरजेंसी होने से भी आप बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर सकते हो SSB इंटरव्यू डिटेल। और आप लोग को पता है दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी में तो आप लोग को SSB इंटरव्यू के लिए आप खुद ही आप कैंडिडेट ही SSB इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करना होता है, लेकिन इंडियन नेवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऑटोमेटिकली दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो इसमें SSB इंटरव्यू के लिए आप जाने के आप लोग को यहाँ पर क्या अटैच शू कपड़ा वगैरह टी शर्ट वगैरह कॉलर वगैरह होता है क्या नहीं होता है आप लोग को, या पर आप लोग को सबसे बात पूछ सकते हो नगेश क्या, और इसमें आप लोग को क्या जरूरत है। यहाँ पर 1 pair व्हाइट PT शू देख सकते हो, 2 pair व्हाइट सॉक्स, यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट टी शर्ट विथ कॉलर, कॉलर वाला व्हाइट टी शर्ट बताया गया, ट्रैक सूट फॉर फीमेल वगैरह सब कुछ इसमें बताया गया। आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको ये आप लोग को नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग को थोड़ा पढ़ लेना, आपको सब कुछ आ जाएगा। सो इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो गाइस अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर लेना, ताकि ये वीडियो देखने के बाद उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट दाव क्लियर हो सकता है। तो चलो गाइस, वीडियो एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।